नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको पेश करते हैं संपूर्ण पंचतंत्र स्टोरी सीरीज। यह वीडियो पंचतंत्र के भाग दो मित्र संप्राप्ति या मित्र लाभ को कवर करेगी। इस दूसरे भाग में कुल 5 कहानियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी 1, साधु और चूहा। महिलरूपम नामक एक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहाँ एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्र कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई करते थे और उसे सजावट का काम किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच न सके, और यहां तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वे भिक्षुक से मिल भी नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझ भिक्षुक क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। साधु विनम्रता पूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भिक्षुक को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। यह चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो तो। मैंने हर कोशिशें की हैं, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी, चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुँचने में सफल होते हैं, तो वे चूहे के भोजन के भंडार तक पहुँचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्र करके मंदिर में लेवा ले जाते हैं। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात से गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की, तब वो धड़ाम से नीच गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब न तो उसके पर शक्ति है और न ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर कभी नहीं आया। यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी न हो, तो हम में भी अद्भुत शक्तियां और आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं आ सकती। कहानी 2, ब्राह्मणी और तिल के बीज। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। एक समय उनके यहाँ कुछ अतिथि आए। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। इसी बात को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी में यह बातचीत हो रही थी। ब्राह्मण, कल सुबह कर्क संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण सूर्यदेव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। पत्नी, तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्टान्न नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों को तो बात ही क्या कहनी। ब्राह्मण, देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले ही आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कैसे? तब ब्राह्मण ने सुअर, शिकारी और गीदड़ की यह कथा सुनाई। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया।
जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सुअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सुअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इस बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सुअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वो सोचने लगा, आज दैववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्वजन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वो मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः इनका भोग मैं इस रीति से करूंगा कि बहुत दिन तक इनके उपभोग से ही मेरी प्राणयात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वो पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वो डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के कोने का एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकला आया, मानो माथे पर शिखा निकल आए हो। इस प्रकार घायल होकर वो गीदड़ भी वहीं मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कूट छांट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचनानुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू कर दिया। छांट पछोड़ कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वो इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा। इनके उच्छिष्ट होने का किसी को पता ही नहीं लगेगा। यह सोचकर वो उन तिलों को छाज में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे तिल दे दे। अचानक यह हुआ कि ब्राह्मणी तिलों को बेचने एक घर में पहुंच गई और कहने लगी कि बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गृहपत्नी जब यह सौदा करने जा रही थी तब उसके लड़के ने, जो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, कहा, माता, इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा? यह बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्य में इन छटे तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने से माता ने यह सौदा नहीं किया। सीख, बिन कारण कार्य नहीं। कहानी 3, अभागा बुनकर। एक नगर में सोमिलक नाम का जुलाहा रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमिलक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है और मैं इतना सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन ही हूँ। प्रतीत होता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः विदेश जाकर धनोपार्जन करूँगा। सोमिलक पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में ही हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यहीं रहकर व्यवसाय करते रहो, भाग्य में लिखा होगा तो यही धन की वर्षा हो जाएगी। सोमिलक, भाग्य अभाग्य की बातें तो काया लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी शेर नर को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूंगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूंगा। यह कहकर सोमिलक वर्धमानपुर चला गया। वहाँ 3 वर्षों में अपने कौशल से 300 सोने की मुहरें लेकर वो घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया, शाम हो गई। आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं।
एक ने कहा, हे पौरुष, तुझे क्या मालूम नहीं है कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब तूने इसे 300 मुहरे क्यों दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा ही। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद सोमिलक की नींद खुली तो देखा कि मुहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से सोमिलक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे। यह सोचकर वो फिर वर्धमानपुर को ही वापस आ गया। वहां दित रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में ही 500 मुहरे जमा कर ली। उन्हें लेकर वो घर की ओर जा रहा था कि फिर आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वो सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता ही गया। किंतु चलते चलते ही उसने फिर उन दोनों पौरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही कि हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब उसे तूने 500 मुहरे क्यों दी? पौरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही। इससे आगे तेरे अधीन है कि उसके पास रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद सोमिलक ने जब अपनी मुहरों वाली गठरी देखी तो वो मुहरों से खाली थी। इस तरह दो बार खाली हाथ होकर सोमिलक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ और यहीं प्राण दे देता हूँ। गले में फंदा लगा, उसे टहनी से बांधकर जब वो लटकने ही वाला था कि उसे आकाशवाणी हुई, सोमिलक, ऐसा दुस्साहस मत कर, मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्तियाँ नष्ट मत कर, घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ, तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। सोमिलक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अदृष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग, तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है, भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा। सोमिलक तो धन का भूखा था, बोला, भोग हो या ना हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। सोमिलक की बात सुनने के बाद देवता ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है, तो तू फिर वर्धमानपुर चला जा। वहाँ दो बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपभुक्त धन दे दूंगा। यह कहकर वो देवता लुप्त हो गया। सोमिलक उसके आदेशानुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वो गुप्तधन के घर पर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्तधन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा। किंतु सोमिलक भी अपने संकल्पा का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वो घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्तधन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वो वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वही दोनों देव देखे। वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्तधन को भोग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमिलक को भी रोटी दे दी? पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं, मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्तधन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। सोमिलक अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर गया। वहाँ उसने भोजनादि द्वारा उसका सत्कार किया, सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने सोमिलक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमिलक ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को दे रहा था। यह देखकर सोमिलक ने विचार किया कि
यह संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए वो धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। कहानी चार, गजराज और मूषिकराज। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन, जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई। नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वो जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषिकराज चूहा। चूहों का भाग्य देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वो एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अंगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज की मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने अड़ोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मूषिकराज के मंत्रियों ने कहा, महाराज आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए, वो दयालु हाथी हैं। मूषिकराज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषिकराज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला, गजराज को मूषिकराज का नमस्कार। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूषिकराज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूषिकराज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूषिकराज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। यह मूषक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे, गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा। मूषिकराज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शोक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे, मूषिकराज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला। गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किसी काम क्या आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूषिकराज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते हैं। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बाया रस्सा कस गया। रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिंघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वो भैंसा छोटा था तो एक बार वो एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिंघार सुनकर वो दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख उसे बहुत धक्का लगा। वो चीखा, यह कैसा अन्याय है? गजराज, बताइए क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले, बेटा
तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषक राजा को सारा हाल बताना। उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी हैं। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषकराज के पास गया और सारी बात बताई। मूषकराज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठा और वो शीघ्र ही गजराज के पास पहुँचे। चूहे भैंसे की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई व गजराज आजाद हो गए। सीखा आपसी सद्भाव व प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। कहानी 5, व्यापारी के पुत्र की कहानी। किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके लड़के ने एक बार 100 रुपए में बिकने वाली एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में केवल एक श्लोक लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वो उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। अतएव मैं किसी वस्तु के विनष्ट हो जाने पर न दुखी होता हूँ और न किसी वस्तु के अनायास मिल जाने पर आश्चर्य ही करता हूँ, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वो हमें नहीं मिल सकती और जो हमें मिलने वाली है वो दूसरों को नहीं मिल सकती। उस पुस्तक को देखकर सागर दत्त ने अपने पुत्र से पूछा, तुमने इस पुस्तक को कितने में खरीदा है? पुत्र ने उत्तर दिया, 100 रुपए में। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर सागर दत्त कुपित हो गया। वो क्रोध से बोला, अरे मूर्ख, जब तुम लिखे हुए एक श्लोक को 100 रुपए में खरीदते हो तो तुम अपनी बुद्धि से क्या धन कमाओगे? तुम जैसे मूर्ख को मैं अब अपने घर में नहीं रखूंगा। सागर दत्त का पुत्र अपमानित होकर घर से निकल पड़ा। वो एक नगर में पहुंचा। लोग जब उसका नाम पूछते तो वो अपना नाम प्राप्तव्य अर्थ ही बतलाता। इस प्रकार वो प्राप्तव्य अर्थ के नाम से पहचाना जाने लगा। कुछ दिनों बाद नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उत्सव की शोभा देखने निकली। इस प्रकार जब वो नगर का भ्रमण कर रही थी तो किसी देश का राजकुमार उसकी दृष्टि में आ गया। वो उस पर मुग्ध हो गई और अपनी सहेली से बोली, सखी, जिस प्रकार भी हो सके इस राजकुमार से मेरा समागम कराने का प्रयास करो। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास पहुंची और उससे बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपको देखकर उनकी दशा बहुत शोचनीय हो गई है। आप तुरंत उनके पास न गए तो मरने के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई मार्ग नहीं रह जाएगा। इस पर उस राजपुत्र ने कहा, यदि ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय और किस प्रकार पहुंच सकता हूँ। राजकुमारी की सहेली बोली, रात्रि के समय उसके शयन कक्ष में चमड़े की एक मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी। आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाना। इतना बताकर राजकुमारी की सहेली तो वापस लौट गई और राजकुमार रात्रि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु रात हो जाने पर कुछ सोचकर उस राजपुत्र ने राजकुमारी के कक्ष में जाना एकाएक स्थगित कर दिया। संयोग की बात है कि व्यापारी पुत्र प्रातव्य अर्थ उधर से ही निकल रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो वो उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजपुत्री ने भी उसको राजकुमार समझ उसका खूब स्वागत सत्कार किया, उसको स्वादिष्ट भोजन खिलाया और अपनी शैया पर उसे लिटाकर स्वयं भी लेट गई। व्यापारी पुत्र के स्पर्श से रोमांचित होकर उस राजकुमारी ने कहा, मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुरक्त होकर आपको अपना हृदय दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर किसी और को पति रूप में वरण नहीं करूँगी। व्यापारी पुत्र कुछ नहीं बोला, वो शांत पड़ा रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात है? तब व्यापारी पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्तक वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। यह सुनकर राजपुत्री को संदेह हो गया। उसने तत्काल उसे अपने शयन कक्ष से बाहर भगा दिया। व्यापारी पुत्र वहां से निकलकर एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में विश्राम करने चला गया। संयोग की बात है कि नगररक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने उसी मंदिर में आया हुआ था। उसे देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? व्यापारी पुत्र बोला, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। नगररक्षक बोला, यह तो निर्जन स्थान है, आप मेरे स्थान पर जाकर सो जाइए। व्यापारी पुत्र ने उसकी बात को स्वीकार तो कर लिया, किंतु अर्धनिद्रित होने के कारण भूल से वो उस स्थान पर न जाकर किसी अन्य स्थान पर जा पहुंचा। उस नगररक्षक की कन्या विनयवती भी किसी पुरुष के प्रेम में फंसी हुई थी। उसने उस स्थान पर आने का अपने प्रेमी को संकेत दिया हुआ था, जहां की प्रातव्य अर्थ पहुंच गया था। विनयवती वहां सोई हुई थी।
उसको आते देखकर विनयवती ने यही समझा कि उसका प्रेमी आ गया है। वो प्रसन्न होकर उसका स्वागत सत्कार करने लगी। जब वो व्यापारी पुत्र के साथ अपनी शैया पर सोई तो उसने पूछा, क्या बात है, आप अब भी मुझसे निश्चिंत होकर बातचीत नहीं कर रहे हैं? व्यापारी पुत्र ने वही वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। विनयवती समझ गई कि बिना विचारे करने का उसको यह फल मिल रहा है। उसने तुरंत उस व्यापारी पुत्र को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। व्यापारी पुत्र एक बार फिर सड़क पर आ गया, तभी उसे सामने से आती एक बारात दिखाई दी। वरकीर्ति नामक वर बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर जा रहा था। वो भी उस बारात में शामिल होकर उनके साथ साथ चलने लगा। बारात अपने स्थान पर पहुंची, उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। विवाह का मुहूर्त होने पर सेठ की कन्या सज धज कर विवाह मंडप के समीप आई। उसी क्षण एक मदमस्त हाथी अपने महावत को मारकर भागता हुआ उधर आ पहुंचा। उसे देखकर भय के कारण सभी बाराती वर को लेकर वहां से भाग गए। कन्या पक्ष के लोग भी घबराकर घरों में घुस गए। कन्या उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को भयभीत देखकर प्राप्तव्य अर्थ ने उसे सांत्वना दी, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर उसने एक हाथ से उस कन्या को संभाला और दूसरे हाथ में एक डंडा लेकर हाथी पर पिल पड़ा। डंडे की चोट से भयभीत होकर वो हाथी सहसा वहां से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर वरकीर्ति अपनी बारात के साथ वापस लौटा, किंतु तब तक विवाह का मुहूर्त निकल चुका था। उसने देखा कि उसकी वधू किसी अन्य नौजवान के साथ सटकर खड़ी हुई है और नौजवान ने उसका हाथ थामा हुआ है। यह देखकर उसे क्रोध आ गया और अपने ससुर से बोला, आपने यह उचित नहीं किया। अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में देने के स्थान पर किसी अन्य के हाथ में दे दिया है। उसकी बात सुनकर सेठ बोला, मुझे स्वयं भी नहीं मालूम कि यह घटना कैसे घटी। हाथी के डर से मैं भी तुम सब लोगों के साथ यहाँ से भाग गया था, अभी अभी वापस लौटा हूँ। सेठ की बेटी बोली, पिताजी, इन्होंने ही मुझे मृत्यु से बचाया है, अतः अब मैं इनको छोड़कर किसी अन्य के साथ विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार विवाद बढ़ गया और रात्रि भी समाप्त हो गई। प्रातः काल वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। राजकुमारी भी वहां पहुंच गई थी। विनयवती ने सुना तो वो भी तमाशा देखने वहां जा पहुंची। स्वयं राजा भी इस विवाद की बात सुनकर वहां चला आया। उसने व्यापारी पुत्र से कहा, युवक, तुम निश्चिंत होकर सारी घटना का विवरण मुझे सुनाओ। व्यापारी पुत्र ने उत्तर में यही कहा, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। उसकी बात सुनकर राजपुत्री बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। तब विनयवती कहने लगी, इसलिए मैं विगत बात पर पश्चाताप नहीं करती और मुझको उस पर कोई आश्चर्य नहीं होता। यह सुनकर विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वो दूसरों की नहीं हो सकती। राजा के लिए यह सब पहेली बन गया था। उसने सब कन्याओं से पृथक पृथक सारी बात सुनी और जब वो आश्वस्त हो गया तो उसने सबको अभयदान दिया। उसने अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों से युक्त करके 1000 ग्रामों के साथ अत्यंत आदर पूर्वक प्राप्तव्य अर्थ को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे अपना पुत्र भी मान लिया। इस प्रकार उसने उस व्यापारी पुत्र को युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। नगररक्षक ने भी उसी प्रकार अपनी कन्या विनयवती उस व्यापारी पुत्र को सौंप दी। तीनों कन्याओं से विवाह कर व्यापारी पुत्र आनंद पूर्वक राजमहल में रहने लगा। बाद में उसने अपने समस्त परिवार को भी वहां बुला लिया। सीख, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। यह कथा समाप्त कर हिरण्यक ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार अनुचरों से खिन होकर मैं आपके मित्र लघुपतनक के साथ यहाँ चला आया हूँ। यही मेरे वैराग्य का कारण है। हिरण्यक की बात सुनकर मंथरक कछुए ने कहा, मित्र हिरण्यक, तुम नष्ट धन की चिंता मत करो। जवानी और धन का उपयोग तो क्षणिक ही होता। पहले तो धन के अर्जन में ही कष्ट होता है और बाद में उसके संरक्षण में भी कष्ट होता है। जितने कष्टों से मनुष्य धन का संचय करता है, उसके शतांश कष्टों से भी यदि वो धर्म का संचय करे तो उसे मोक्ष मिल जाता है। तुम विदेश प्रवास का भी दुख मत करो, क्योंकि व्यवसाय के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता और विद्वान व्यक्ति के लिए कोई स्थान परदेश नहीं होता। साथ ही किसी प्रियवादी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति पराया नहीं होता। तुम निर्भय होकर यहाँ रहो। हम तीनों अच्छे मित्रों की भांति मिलकर जीवन निर्वाह करेंगे।
रही धन जाने की बात, तो धन कमाना तो भाग्य पर निर्भर करता है। भाग्य में न हो तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। अभागा आदमी तो धन को संचित करके भी उसका उपभोग उसी तरह नहीं कर पाता जिस तरह सोमिलक नहीं कर पाया था। हिरण्यक ने पूछा, ये सोमिलक कौन था? तब मंथरक कछुए ने उसे यह कथा सुनाई। इसी के साथ पांचवी कहानी समाप्त होती है। इस भाग दो में बस इतना ही। दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा आगे के भागों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।